हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मायका और ससुराल। तो एक बेटी को जब माँ बाप विदा करते हैं तो उसे ढेर सारा आशीर्वाद और शिक्षा देते हैं। तो लड़की की शादी होती है और शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आ जाता है और लड़की के घर वाले लड़के के पास एक एक करके उसके कमरे को जाते हैं और उसे समझाते हैं। सबसे पहले माँ जाती है और कहती है अपनी बेटी से कि बेटी कल से जल्दी उठना, सबसे पहले उठकर नहा धो लेना और फिर पूजा पाठ करके रसोई घर का सारा काम अब तुम्हें ही संभालना है। बेटी देखना कोई गलती ना करना, वहां तेरी माँ नहीं होगी तुझे समझाने के लिए। सारे काम ध्यान से करना और पति के दफ्तर से आने के बाद पानी, फिर कुछ देर बाद चाय खाना पानी देना है और जो भी बोले वो कर देना। और सासू माँ की सेवा करना, घर के सभी लोगों का ध्यान रखना। माँ अपने बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा ही देती है। तो ये सारी शिक्षा अपनी बेटी को एक माँ दे रही थी विदा करते समय ससुराल के लिए। फिर कुछ देर बाद पापा आते हैं और कहते हैं, बेटी अब अपने ससुराल को ही अपना घर समझना और सबका ख्याल रखना, अपने माँ बाप के मान सम्मान को मिटने न देना बेटी। और इतना कहकर पिता की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। और फिर आता है भाई, आंखें आंसुओं से भरी होती हैं और चेहरे पर मुस्कान के साथ बोलता है, लगता है तू अब ससुराल ही चली जाएगी। जा रही है, तू सच में जा रही है ससुराल, चलो अब तुझसे छुटकारा मिल जाएगा, अब तेरा सारा हिस्सा मेरा हो जाएगा और अब कोई बात बात पर टोका टाकी भी नहीं करेगा और न ही कोई माँ से मेरी शिकायत करेगा। चलो बढ़िया है, आज से तुम परेशान नहीं करेगी, क्योंकि बहन और भाई का रिश्ता ही ऐसा होता है, कभी झगड़ते हैं कभी खुश होते हैं एक दूसरे को, बस यही चलता रहता है। इतने में ही लड़के की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों बहन और भाई खूब मिल के गले भी लगते हैं और बोलती है, भाग जा पागल, नहीं तो मार खाएगा अब तू। और फिर भाई बोलता है, अच्छा मेरी तरह ससुराल में किसी को पीटने नहीं लगना, वहां तेरी मार कोई नहीं खाएगा, जैसे हमें बोल देती है कुछ भी वहां मत बोलना, कोई बुरा मान सकता है। और फिर दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और साथ में दोनों के मुंह से बस यही निकलता है कि तेरी बहुत ही याद आएगी और अपना ख्याल भी रखना। भाई अपने आंसू पोंछते हुए बाहर निकल जाता है और इसी तरह है परिवार के सभी लोग आकर के अपनी बेटी को समझाते हैं कि ससुराल में किस तरह अपना मान सम्मान बनाए रखना है। सबके जाने के बाद विदाई होने का समय आ जाता है और लड़की सोचती है कि एक तो अपना घर छोड़कर मैं जा रही हूँ, ऊपर से इतना कुछ घर वालों ने बता दिया है, इससे पहले तो कभी कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा, कैसे इतना कुछ संभाल पाऊंगी, यही सब बस सोचती रहती है। इस तरह से मन में तमाम ख्याल आते हैं और फिर विदाई करके घर वाले लड़की को विदा कर ही देते हैं। यहाँ तो माँ बाप को इतनी फिक्र होती है, इतना कुछ कैसे संभालेगी, मेरी बेटी हमेशा से खुले ख्यालों वाली है, अब किसी की बहू है, किसी की पत्नी है, किसी की जेठानी है, किसी की भाभी बन गई है, कैसे सारे रिश्ते निभाएगी, पता नहीं सब कुछ कैसे संभालेगी ससुराल में। देखो अब क्या होता है, ससुराल में जाकर लड़की अलार्म लगाती है और दूसरे दिन सुबह उठकर जैसा कि उसकी माँ ने बताया है वैसा ही करती है। फिर सबके लिए खाना भी बनाते हैं और कहते हैं ना कि ससुराल में पहली रसोई बहू कुछ मीठा बनाकर शुरू करती है, सबको खिलाती है। तो बहू ने बनाई सबके लिए खीर, खीर में चीनी कम ही रह गई, बाकी खीर तो बहुत ही अच्छी बनी थी। अब बनाने के बाद खीर सबके लिए निकलती है और सब तो खा लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। फिर खास करके सासू माँ जा करके अपने बेटा और पति के बैठे रहते हैं तो उनको बोलती है कि लग रहा है घर वालों ने कुछ सिखाया ही नहीं है, चीनी देखो कैसे डाली थी, लग रहा था खीर नहीं बस चावल खा रही हूँ। और सबसे आखिर में बहू को खाने का रिवाज होता है, पहले तो चक्कर भी देख नहीं सकती, अब तो खाकर देखती है तो सोचती है चीनी तो कितनी कम डाली है।
देखो मैं सोच ही रही थी कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, और हो ही गई। लेकिन ये लोग कितने अच्छे हैं, सभी लोग हमसे कुछ कहे भी नहीं। फिर सोचती है चलो दूसरे दिन कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। इधर लड़की के माँ बाप का फोन आता है और पूछते हैं बेटी सब अच्छे से कर लिया, कोई गड़बड़ तो नहीं की? क्योंकि माँ बाप को बहुत चिंता होती है अपने बच्चों की। और वो बोलती है इतना सोचा था, फिर भी खीर में चीनी बहुत ही कम रह गई थी, लेकिन आप लोग परेशान न हो, कल से कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि जानबूझ के कोई गलती नहीं करता है। लेकिन ससुराल वालों को लगता है कि इसके माँ बाप ने कुछ ही सिखाया ही नहीं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर रात में पति आता है और रूम में और बोलता है कैसी खीर बनाई थी मम्मी, क्या सोच रही होगी, कितनी फीकी थी, कल से ध्यान देकर बनाना। इसी तरह वो लड़की घर के सभी काम का सीख जाती है, और कल को सारा दिन मस्ती करने वाली लड़की अब एक पत्नी और बहू और भाभी बन जाती है। कुछ दिन के बाद ही उसके घर वाले आते हैं, उसको देखते हैं, इतना ज्यादा अंतर पहले और अब में, कहीं कोई बुला रहा है, भाभी मेरा ये सामान कहाँ रखा है? पति बोलता है अरे नाश्ता लग गया क्या, दफ्तर के लिए लेट हो रहा है। सासू माँ बोलती है बहू जल्दी से टेबल साफ करके सबका नाश्ता लगाओ, माँ पापा आए हैं, ध्यान नहीं दे रही है, तुम्हारे ससुर जी को भी निकलना है, वो भी जल्दी सारे काम करती है और सबको नाश्ता भी करवा कर सारा घर साफ करती है, बर्तन भी धोती है, फिर खाना बनाती है। और ऐसे ही पूरा दिन उसका घर के काम काज में चला जाता है, और कोई जरा सा भी सराहना नहीं करता है। ये सब देख माँ बाप के आंखों में आंसू आ जाते हैं, और फिर जब वो सारे काम कर लेती है तो माँ बाप के पास आकर बैठती है, पूरा काम होने से पहले माँ बाप के पास भी बैठती नहीं है। और तब माँ बाप बोलते हैं कि बेटा कोई दुख तो नहीं है तुम्हें? वो अपने आंसू पोंछते हुए नहीं माँ कोई दुख नहीं है, क्योंकि बेटी नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके माँ बाप भी दुखी हो, बस आप सबकी याद आती है। और माँ छोटू कैसा है, वो अब आप लोगों को ज्यादा परेशान तो नहीं करता है? ऐसा कहते हुए बात को काट देती है और बोली यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, ऐसा बोल दी ताकि उसके माँ बाप परेशान ना हो। और माँ बाप कहते हैं बेटी ऐसी ही खुश रहे तो अपना ख्याल भी रखना, और अच्छा हम लोग चलते हैं, जब माँ बाप चले जाते हैं तब जाकर कमरे में छुप कर बहुत रोती है और खुद से ही बातें करती है कि क्या बताऊं माँ मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है, कभी खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाती हूँ, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और फिर सास आती है और बेटे से कहती है कि माँ बाप आए थे, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा कर गए हैं, पता नहीं ये गलत फहमी ससुराल वालों के मन से कब निकलेगी, हर घर की यही कहानी है। अब आप बताओ दोस्तों, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, अगर ऐसा होता रहा तो ससुराल और मायके में हमेशा अंतर होता रहेगा, जब तक कि आप एक दूसरे के घर से आई हुई बेटी को अपनी बेटी नहीं समझेंगे, ऐसा करने से ही रिश्ते बिगड़ते हैं, सारी बेटियां ऐसी नहीं होती हैं, तभी रिश्ते बिगड़ते हैं। अब वो काम कर रही है तो सभी को करवा लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मजदूर बनकर तो आई नहीं है, आपके घर की बहू है जो आपके लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है। अब आप लोग ऐसा करेंगे तो सास ससुर और माँ बाप, ससुराल और मायके में हमेशा ऐसे ही फर्क होता रहेगा, हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा, इसलिए पहले हमें अपने आप को बदलना है, हम अच्छे तो जग भला, हम भले तो जग भला, बस हमारी कहानी का यही उद्देश्य था, पहले अपने आप को बदलो, अगर हम बदल गए तो सारे, अगर हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव होगी तो सारे लोग पॉजिटिव ही नजर आएंगे अच्छे, और हमारी खुद की सोच नेगेटिव है तो हम खुद ही गलत हैं, तो दूसरों में भी वो गलतियां ही नजर आएंगी।
अगर हम एक बहू को बेटी बना करके रखेंगे तो वो बेटी भी सास ससुर को अपना माँ बाप ही बना करके सेवा करेगी। वो सब कुछ छोड़ करके आती है, वो पूरे दिन लगी रहती है, लेकिन उसको कोई भी कुछ भी कहने वाला नहीं है कि बहुत ही अच्छा काम किया। इतना भी कहते तो बहुत ही संतुष्टि मिलती है। बस यही करते हैं अपनी कहानी का एंड। थैंक यू जी।